आजकल जो हैबिट रहती है हवा भरने की कि वाल के अंदर वो लगा के पिन लगा के टॉमी लगा के फिर वो हवा भरते हैं, तो उसका टाइमिंग जो भी रहता है बंदे को रहता है कि इतने टाइम के अंदर इतनी प्रेशर हवा आ जाएगी, ठीक है, फिर भी आप उससे दूर रहने का कोशिश कीजिए, एटलीस्ट 10 फीट दूर रहिए। क्योंकि एक चीज़ जहाँ एक लोकेशन पे मैंने देखा था, भरूच के आसपास ही था, शायद आप लोग को भी पता होगा, व्हाट्सएप पे आ गया होगा आपके ऊपर वीडियो, कि ऐसा ही था, हवा भर रहा था, बंदा वहाँ पे खड़ा था टायर के ऊपर पैर रख के, टायर ब्लास्ट हो गया और बंदा वहीं पे स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई। ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है कि अपन को ऐसा लगता है कि हवा ही भर रहे हैं ना, अभी कहाँ इतना प्रेशर हुआ है, लेकिन प्लीज़ आप उसको थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत इनिशिएटिव लीजिए, 10 फीट दूर रहिए टायर से, हवा भर जाएगा तो बंदा आपको बुला ही लेगा, भाई हो गया आपका टायर लगा लीजिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर अपने टायर गाड़ी के अंदर टायर अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हर रोज़ आना, आप देख लो पूरा टायर के पीछे, मतलब गाड़ी के आसपास चक्कर लगा के चेक कर लो, कहीं पे अगर रेडियल टायर है तो वहाँ पे कुछ तार नहीं दिख रहा है तो घिसावट के मामले में देख लो, अपने ओनर को भी उसके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि अगर टायर ख़राब हो चुका है तो कहीं पे जा रहे हैं अपन तो टायर, जैसे अपन बोलते हैं ना फट गया टायर, कुछ कट लग गया या फट गया, अभी तो गर्मी का सीजन रहेगा तो ये चांसेस बढ़ जाएंगे फटने के, तो टायर का भी एक हेल्थ कैसा है कैसा नहीं है वो भी अपने को देखना चाहिए साथ में, ये दो चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब भी अपन गाड़ी को सेल लगाते हैं तो मेरा ये कहना है कि आप सब वो चीज़ को एक प्रैक्टिस में ला दीजिए, आप जिस किसी भी रिलीजन में बिलीव करते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सेल लगा के न्यूट्रल करके, ठीक है ना, एक 2 मिनट के लिए अपनी फैमिली को याद कर लिया करो, 2 मिनट के लिए, उससे 2 फायदे होंगे, एक तो जो गाड़ी का जो इंजन पूरा जो है फ्यूल पूरा सिस्टम जो चालू होना होता है वो भी हो जाएगा, साथ में आप अपनी फैमिली को भी याद कर लोगे, ठीक है। तो गाड़ी में जब गियर आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो चालू करने से टाइम पे अपने को जो फैमिली को याद किया है ना वो रहेगा आपके दिमाग में, उससे टेंशन बढ़ेगी नहीं, गाड़ी का जो ड्राइव कर रहे हो ना तो आपको ध्यान में रहेगा कि मेरी फैमिली मेरे पीछे है, आप जो कुछ भी कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, जो भी है आप उनके लिए कर रहे हो, है ना, तो वो अपने आप सेफ्टी का, बाकी जो सर ने बताया जो फीचर जो मतलब बोला डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, दारू पी के मतलब जो भी है अल्कोहल लेके या सीट बेल्ट, विदाउट सीट बेल्ट गाड़ी नहीं चलाना है अपने को, ट्रैफिक रूल यूज़ मतलब फॉलो करने हैं, ज़्यादा ओवर स्पीड पे नहीं जाना है, वो सब चीज़ें अपने आप वो आ जाएगी, रूटीन में आ जाएगी आपको, ठीक है सर, ओके।